हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल फुकरा मैथ्स पे। तो ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 10वां होने वाला है। तो अब तक हमने क्या देख लिया, हमने रिलेशंस कवर कर लिया, हमने फंक्शंस कवर कर लिया, मतलब सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। बस एक टॉपिक थोड़ा सा आपको और बच रहा है, एक ग्राफ वाला टॉपिक है, वो आपको और करा दूंगा। तो रिलेशन एंड फंक्शन हमारा जो हमारा कॉन्सेप्ट वाइज है, कॉन्सेप्ट वाइज हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, बट अभी कुछ एक्सरसाइज बचेंगी। तो वो ग्राफ वाला लेक्चर मैं अभी नहीं कराऊंगा, अभी तो मैं वो क्या बोलते हैं, अभी मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, जो आपकी एक्सरसाइज 2.2 है वो आपको पहले करवाऊंगा, फिर शायद हो सकता है तो अगले वीडियो में आपको मैं ग्राफ वाला करवा दूँ। और दूसरी बात, अभी तक हमने क्या क्या निकालना सीख लिया, हमने डोमेन निकालना सीख लिया, रेंज निकालना सीख लिया, और हमने किसी रिलेशन को हम रिलेशन कब बोलते हैं, किसी फंक्शन को हम फंक्शन कब बोलते हैं, ठीक है, किसी फंक्शन को हम फंक्शन कब बोलते हैं, ये हमने देख लिया अब तक, ठीक है। रिलेशन को रिलेशन कब बोलेंगे, फंक्शन को फंक्शन कब बोलेंगे, मतलब उनकी कंडीशंस क्या होती है रिलेशन और फंक्शन होने की, ये सब बातें हमने देखी। एरो डायग्राम हमने देख लिया, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम किसी भी रिलेशन में हम कैसे निकालते हैं वो देखा, नंबर ऑफ सबसेट्स के फॉर्मूले वगैरह देख लिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं अभी तक ये जो 9 लेक्चर है उन सब में कवर हुआ था, एक्सरसाइज 2.1 पिछले वाले लेक्चर में कवर हुआ था। तो किसी ने नहीं देखा तो वो लेक्चर देख के आओ, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 है, थोड़ा सा आपको उन सब लेक्चर्स के लिए आपको क्या चाहिए, एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको एक्सरसाइज 2.2 करने में थोड़ा मजा आएगा। तो यही कहूँगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो लेक्चर जरूर देख के आना। और उसके बाद और बुक्स लेके बैठना है, एनसीईआरटी, आप जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठना, एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, और एक नोटबुक लेके बैठना, और एक पूरे फ्लो में वीडियो देखना, यानी कि एक बार वीडियो ख़त्म करना, ठीक है। तो ये हो गया बहुत ज़्यादा बकवास, फालतू बकवास बहुत ज़्यादा कर दी, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देख लेते फटाफट, हमें करना है एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में पहले मुझे एक एग्जांपल करवाना है। कौन सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8वां, देखो हमारा एक्सरसाइज है 2.2 हमारा एक्सरसाइज है, एग्जांपल नंबर देख लो पहले 8वां, ये एग्जांपल थोड़ा सा मुझे करवाना है। क्या है इसमें बता रहा है, फिगर 2.6 हमें कुछ एक फिगर बना रखा है। देखो क्या फिगर है, एक हमें ये डोमेन सेट दे रखा है, एक हमें को डोमेन सेट दे रखा है, ठीक है, हमें ऐसे दे रखा है। डोमेन सेट में हमारे पास एलिमेंट है 9, 4 और हमारे पास 25, और हमारे को डोमेन सेट में एलिमेंट है हमारे पास 5, 3, 2, 1, -2, उसके बाद हमारा -3, -5। सबको तो पता ही होगा इस वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले सेट को हम डोमेन सेट बोलते हैं, ठीक है। किसने अगर पिछले वीडियो नहीं देखी तब, इस वाले सेट को हम क्या बोलते हैं, को डोमेन सेट। कोडोमेन हमारा कौन सा सेट होता है जिसमें हमारा रेंज बिलोंग करता है, यानी कि ये हमारा ऐसा सेट है कोडोमेन इसमें हमारा रेंज होगा, ठीक है, इस वाले को हम कोडोमेन बोलते हैं। उसके बाद हमें मैपिंग दे रखी है, क्या मैपिंग दी है, 9 हमारा 3 से, उसके बाद 9 हमारा -3 से, फिर हमारा 4 हमारा 2 से, वही 4 हमारा -2 से, फिर 25 हमारा 5 से, और 25 हमारा -5 से, ये हमें ऐसा कुछ दे रखा है। अब पूछा गया हमसे, हमसे पूछता है इन सेट क्या बोल रखा है, व्हाट इज द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले मैं बताना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिलेशन कैसा होगा, हमें लिखना है पहले सेट बिल्डर फॉर्म में इसका रिलेशन कैसा होगा। सेट बिल्डर फॉर्म हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिलेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म हमारा क्या होता है, जिसमें थोड़ी थ्योरेटिकल बातें होती हैं, एक जनरल फॉर्मूला आप दे देते हैं कि ऐसा आप ऐसा करोगे तो जैसे जैसे आप वैल्यूज डालोगे तो ऐसे ऐसा हमारा आंसर आता जाएगा, तो हमारा ये सेट बिल्डर का काम होता है। एक और चीज, इस वाले सेट को हम एक्स सेट भी बोलते हैं या फिर एफ एक्स सेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एक्स या फिर एफ एक्स बोलते हैं। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम ये वाई बोलेंगे, सॉरी एक्स बोलेंगे, इस वाले को हम एक्स बोलेंगे, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स या फिर वाई बोलते हैं, इस वाले को हम वाई या फिर एफ एक्स बोलते हैं, वाई या फिर एफ एक्स बोलते हैं, और इस वाले को हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इतना जरूरी नहीं है, हमें क्या लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, देखो एक चीज पैटर्न फॉलो हो रही है, 9 डालने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, 9 डालने पर हमारा आंसर -3 आ रहा है, 4 डालने पर हमारा आंसर 2 आ रहा है, और वही 4 डालने पर हमारा -2 आ रहा है, 25 डालने पर हमारा 5 आ रहा है, 25 ही डालने पर हमारा -25 आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाना है। अच्छा एक चीज़ और, इस वाले को हम एक्स बोलते हैं, ये मैंने उल्टा लिख दिया, इस वाले को हम एक्स बोलते हैं और इस वाले को हम वाई बोलते हैं, इसी हमारा क्योंकि डोमेन सेट होता है ना, इसलिए हम इसको एक्स, इसको हम वाई बोलते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो, अब क्या बताना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का हमारा तरीका होता है क्या, एक्स कॉमा वाई, जो कि एक्स हमारा डोमेन में बिलोंग करेगा और वाई हमारा कोडोमेन से, एक्स कॉमा वाई
सच दैट, कोडों में से क्या मतलब रेंज ही होता है y वाला हमारा, x y सच दैट क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पर पैटर्न क्या है हमारा, y का स्क्वायर हमारा x है, y को जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो हमारा आंसर x आ रहा है, चेक करो एक बार ऐसा कुछ है। माइनस फाइव का स्क्वायर करने पर हमारा 25, फाइव का स्क्वायर करने पर हमारा 25, माइनस थ्री का स्क्वायर करने पर हमारा 9, थ्री का स्क्वायर करने पर हमारा आंसर 9, टू का स्क्वायर करने पर 4, माइनस टू का स्क्वायर करने पर 4। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स, ठीक है। अच्छा इसको हमें नाम बता रखा था, ये मैंने लिख पी और क्यू, ये हमें नाम बता रखा है, ठीक है इतना हो गया। उसके बाद हम क्या लिखते थे, उसके बाद हम लिखते थे कि एक्स वाला हमारा किस में बिलोंग करेगा, वाई वाला हमारा किसको बिलोंग करेगा। तो एक्स वाला हमारा किसको बिलोंग करेगा, एक्स वाला हमारा पी को बिलोंग करेगा, एक्स हमारा पी से बिलोंग करेगा और वाई हमारा Q से बिलोंग करेगा, ठीक है। X है ना, ये P है ना, X हमारा ये P और Q, ठीक है। तो X हमारा P को बिलोंग करेगा, Y हमारा Q को बिलोंग करेगा। तो ये तो हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर रोस्टर फॉर्म की बात करें, रोस्टर फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में देख लो, रोस्टर फॉर्म क्या होता है हमारा, सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, मतलब एकदम सिंपल एकदम खुला खुला आंसर हमें लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में जो भी हमें दे रखा है उसको एक सेट बना के लिख देना है, क्या जो दे रखा है, मतलब 9 डालने पर हमारा आंसर एक तो 3 आ रहा है और 9 डालने पर हमारा आंसर -3 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, 9 डालने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, कमी चांस है, दिख रहा है, चलो 9 डालने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, देखो 9 डाला तो आंसर हमारा 3 आ गया, हमारा यही तो है। x इक्वल्स टू में वाई स्क्वायर है, ठीक है, उल्टा थोड़ा सा मैंने लिखा है। वैसे हम ऐसे लिखते हैं कोई भी फंक्शन जब भी हम लिखते थे अभी तक, तो x इक्वल्स टू वाई प्लस वन या फिर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। बट इसमें ऐसे ही कंडीशन है, इस वजह से इसको मैंने उल्टा लिख रखा है, ठीक है। तो वह क्या है हमारा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो 3 डालने पर हमारा, 3 का जब हम स्क्वायर कर रहे थे हमारा आंसर 9 आ रहा है, ठीक है, ये हमारा डोमेन, ये हमारा रेंज। फिर देखो 9 डालने पर हमारा आंसर -3 आ रहा है, उसके बाद 4 डालने पर हमारा आंसर 2 आ रहा है, 4 डालने पर 2, फिर हमारा 4 डालने पर -2, फिर हमारा 25 डालने पर हमारा आंसर 5 आएगा, 25 डालने पर हमारा आंसर 5 आएगा, या फिर 25 डालने पर हमारा आंसर -5 आएगा, 25 डालने पर हमारा आंसर -5 आएगा। इसको चाहो आप ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर किसी को अगर हजम नहीं हो रही है बात कि हमने उल्टा लिख रखा है, तो इसको हम y इक्वल्स टू में रूट एक्स भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू में रूट एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों से लिख सकते हो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स या फिर y इक्वल्स टू में रूट एक्स, दोनों सेम ही बात है, रूट उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू रूट एक्स, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर हमारा प्लस माइनस लग जाएगा, यानी कि दो वैल्यू आएगी। अब देखो x में से हमें वैल्यू उठाएंगे, x में से मैंने मान लो 25 वैल्यू उठाई, इस वाले फॉर्मूले से देखो y इक्वल्स टू में रूट एक्स और प्लस माइनस हमारा आगे साइन लगेगा, x में से मैंने क्या उठाया, x की वैल्यू मैंने 25 उठाई, 25 उठाई तो देखो क्या आ रहा है, x जब हमारा 25 होगा तब क्या आ रहा है हमारा आंसर, तो रूट अंडर 25 प्लस में हमारा साथ में हमारा प्लस माइनस, तो क्या आ रहा है, प्लस माइनस हमारा 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 5 और एक -5, चेक करो x की वैल्यू जब मैं 25 डाल रहा हूँ तो y हमारा कितना आ रहा है, एक -5 और एक हमारा 5, तो आ गया। तो हम ये वाला रिलेशन भी लिख सकते हैं चाहे ये वाला रिलेशन भी लिख सकते हैं, दोनों एकदम सही है, ठीक है, कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो टीचर में इसमें कोई काट भी सकता है नंबर, कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों रिलेशन एकदम हमारा सही है, ठीक है, नोट कर लो इतना। उसके बाद और कुछ पूछा शायद इसमें, उसके बाद पूछा है डोमेन और रेंज पूछ रखा है, तो डोमेन और रेंज निकालना तो बहुत आसान है, ये वाला मैं बिठा रहा हूँ, नोट करें, नोट कर लो, डोमेन और रेंज निकालने के लिए चुटकुला खेलें। डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन वो वाले एलिमेंट्स जो हम इनपुट देते हैं, वो वाले एलिमेंट्स जो हम इनपुट देते हैं, हमेशा डोमेन हमारा किस में किससे बिलोंग करता है, डोमेन हमारा एक्स वाले से, या फिर जो एरो डायग्राम अगर हो तो जिससे हमारा एरो जा रहा है, देखो इससे हमारा एरो जा रहा है, इससे हमारा देखो इस तरफ जा रहा है, तो ये वाला हमारा सेट कौन सा होगा, डोमेन सेट होगा, ये हमारा डोमेन सेट होगा। इसमें से अगर डोमेन पूछें तो हमारा डोमेन कौन कौन सा होगा, तो जो एलिमेंट हमारे यूज हुए हैं वो हमारा डोमेन होगा, तो कौन कौन सा इसमें यूज हुआ है, 9, 4, 25, यानी कि हमारे सारे डोमेन है, या ऐसे देख लो, या फिर जब रोस्टर फॉर्म में आंसर बनाओगे तो जो जो हमारा पहला वाला एलिमेंट होगा, जो जो हमारा पहला वाला एलिमेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन हमारा क्या क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म से देख लो कितना आ गया, 9, उसके बाद हमारा 4, उसके बाद हमारा 4, उसके बाद हमारा 25, उसके बाद हमारा 25, क्या ये हमारा डोमेन हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सेट्स पढ़ा है ना यार तुमने, सेट्स पढ़ा है,
ये हमारा क्या होता है, जब डोमेन हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं, हम सेट्स के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, तो हमारा डोमेन सेट क्या तैयार हो जाएगा, 9 सिर्फ सिंगल एलिमेंट, फिर हमारा 4, उसके बाद हमारा 25, तो ये हमारा डोमेन हो जाएगा। वहीं रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज देख लेते हैं, तो रेंज हमारा क्या होता है, जो हमारा आंसर आया, आंसर हमारा क्या है, यानी कि अगला वाला 3-3, 2-2, 5-5, तो ये हमारा रेंज हो गया, 2-2, 3-3, 5-5, तो ये हमारा रेंज सेट हो गया, ये हमारा डोमेन सेट हो गया, ठीक है, बढ़े आगे। अगर किसी को ये बातें समझ में नहीं आ रही कि रेंज कैसे आ रहा है, डोमेन कैसे आ रहा है, कैसे लिख रहे हैं, तो हमने डोमेन और रेंज निकालने का बहुत अच्छे अच्छे तरीके बता रखे हैं, वो वाला वीडियो देख के आओ, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो, इतना नोट कर लो पॉज करके। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला मुझे एक और एग्जांपल करवाना है, एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 हमसे क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल नंबर 9 में हमसे बोल रहे हैं, एग्जांपल नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 9 में बोल रहा है, एक सेट ए दे रखा है हमें जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, एक सेट हमारे पास बी दे रखा है जिसमें एलिमेंट है हमारे 3, 4, ये हमारे दो सेट दे रखे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यही लिखा है ना, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, नोटेशन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखने का तरीका होता है हमारा, इसको मैंने फॉर्मूला बता रखा था, जब भी नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी निकालने का हो तो क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कर दो, हमारा नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू ए कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारा कितना है 2, तो हमारा किसना रिलेशन आ रहा है 4, ठीक है, ऐसे देख लो, या फिर नॉर्मल जैसे मैपिंग करते हैं ए क्रॉस बी, वैसे पहले कर लो, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसको गिन लो, तो पहले 1, 3, फिर हमारा 1, 4, फिर हमारा 2, 3, फिर हमारा 2, 4, चाहे ऐसे कर लो, तो हमारे कितने एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4, बट इससे बढ़िया मैं बोलूँगा आप ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि अभी तो ये दो सेट था और छोटे दोनों सेट से, ठीक है, दोनों छोटे थे, दो दो एलिमेंट से दोनों में, तो आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे, अगर बड़े सेट्स होते तब आप फिर फंस जाते, ठीक है, 4 आ गया। अगर मैं यही पूछ दूँ, जो हमारा जो सेट तैयार हुआ है ये रिलेशन सेट है, इस रिलेशन सेट के सबसेट कितने होंगे, रिलेशन सेट जो हमारा तैयार हुआ है, रिलेशन सेट के सबसेट कितने होंगे, ठीक है, हो भी तो सकता है, कोई अगर सेट बनाए, क्या है रिलेशन सेट, ये हमारा रिलेशन एक सेट है, अगर सेट कोई सेट बनाए तो उसका सबसेट भी निकलता है, ये भी मैंने बता रखा है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, 2^2 कुछ भी निकाल दो तो हम, मतलब 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल दो तो जिस सेट का हमने नंबर ऑफ एलिमेंट लिखा है उसका हमारा सबसेट आ जाएगा, ठीक है, चाहे वैसे देख लो चाहे फॉर्मूला याद कर लो, तो 2^2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो कितना है हमारा 4, तो 2^4 हमारा सबसेट हो जाएगा, यानी क्या 2×4×8×16, तो इतने हमारे सबसेट हैं, ठीक है, इतने हमारे सबसेट हैं, देखते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चंस, नोट कर लो पॉज करके, यही दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे इसलिए मैंने करवा दिए, ये दूसरा वाला शायद हो सकता है आपसे एक नंबर में कभी पूछ ले, कभी एक नंबर में या दो नंबर में शायद भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, दोनों पार्ट दे दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं एक बार आप, क्वेश्चन नंबर वन हमसे क्या बोल रहे हैं, एक सेट ए दे रखा है हमारे पास, सेट ए दे रखा है हमारे पास जिसमें एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4 से लेके 14 तक एलिमेंट है, सेट ए है हमारे पास, डिफाइन रिलेशन फ्रॉम आर, एक हमें रिलेशन बताना है आर जो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए रियल हमारा रिलेशन है, हमारा ए टू ए रिलेशन है बाई, और रिलेशन का हमें फॉर्मेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या सेट फॉर्मेट है हमारा, फॉर्मूला या फिर एक्स कॉमा वाई होगा सच दैट 3x-y हमारा 0 के इक्वल होगा, वेयर एक्स और वाई हमारा किसको बिलोंग करेगा, ए को बिलोंग करेगा, ठीक है, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, थोड़ा सा पॉज करना, एक सेकंड जाने दो इसको,
ये पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है देख लेते हैं आप। अब हमें इसे लिखना है। अब इसमें मैं दो चार बातें पहले समझा देता हूँ, वही फालतू की बकवास जिसको आपको थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए। जब भी आपको रिलेशन लिखा जाता है तो आपको ऐसा बताया जाता है कि रिलेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ए टू ए। इसका मतलब क्या है, एक सेट हमारा ए है जो कि हमारा पहले ही दे रखा है, और दूसरा सेट हमारा ए है, ये हमें दे रखा है। तो ए से ए टू ए का मतलब क्या है, हमने इस वाले में से एलिमेंट उठाएंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा, इस वाले में से एलिमेंट उठाएंगे हमारा आंसर ये आ जाएगा, इस वाले में से एलिमेंट उठाएंगे हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कर्व में बना दिया, वैसे सीधी लाइन भी बना सकते हो, यानी कि इस वाले में से हमने एलिमेंट उठाया, ये वाला हमारा आंसर आ गया, ये हमारा लिखने का तरीका होता है। तो इसमें जो ए वाला हमारा कौन सा सेट होता है, पहले ही बताया, ये हमारा डोमेन सेट होता है, ये हमारा कौन सा सेट होता है, को डोमेन सेट होता है, ये हमारा डोमेन सेट, ये हमारा को डोमेन सेट। तो अगर मैं इसमें ही पूछूं ए टू ए, ए टू ए मतलब ए टू ए, ए टू ए, ए टू ए, ठीक है। तो इसमें पूछूं ये वाला हमारा कौन सा सेट होगा, डोमेन सेट, ये सेट हमारा कौन सा सेट होगा, को डोमेन सेट, ये हमारा डोमेन, ये हमारा को डोमेन, ठीक है, डोमेन और को डोमेन, ठीक है। पहली बात तो ये बतानी थी। तो जब भी आपको कोई रिलेशन बोला जाए कि हमारा रिलेशन ए से बी है, कभी बोल दे ए से बी, तो ए से बी में हमारा ए वाला सेट कौन सा होगा, डोमेन सेट, बी वाला कौन सा सेट होगा, हमारा कोडोमेन सेट, ठीक है। रेंज सेट हमारा कैसे आएगा, तो रेंज सेट इसमें नहीं लिखा रहा था। रेंज सेट हमारा क्या होता है, रेंज सेट हमारा फुल्ली डोमेन पर डिपेंड होता है, जैसे जैसे डोमेन की हम वैल्यू देते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रेंज आता जाएगा। तो इसलिए रेंज सेट हमारा कैसा आता है, आंसर निकालने के बाद आता है एक तरह से। यहाँ पे देखो तो हमें रेंज सेट अब निकालना है, ठीक है, क्योंकि डोमेन सेट तो हमारे पास है। हाँ, बट ये भी चीज़ है, ये भी देखा जाता है, डोमेन सेट का मतलब ये नहीं है जो हमारे डोमेन के एलिमेंट्स वही होंगे। बोलने का मेरा तरीका क्या है, मतलब क्या है, अभी आगे समझ लेंगे क्वेश्चन जब करोगे। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये जो रिलेशन दे रखा है 3x - y, इसको हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 3x = में y, जहाँ पर हमारा x, y किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और कर लिख देता हूँ बढ़िया से, ठीक है, मैं इसको यहीं पर ठीक कर देता हूँ। जब ये लिखा है 3x = में y, मैं काम करता हूँ, मैं y = में 3x लिख देता हूँ, y = में 3x लिख दिया। मैंने क्या कोई गलती कर दी, नहीं, वही है बस, इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया, वही चीज़ लिखी हुई है। अब मेरे को आसानी, मैंने ऐसा क्यों किया y हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, y हमेशा जब भी हम देखो तो y हमेशा नॉर्मली हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, f(x) को, यानी कि जब हम x की वैल्यू डालेंगे और x हमारा, यानी एक चीज़ देखो, x क्या होता है हमारा डोमेन, x हमारा डोमेन होता है, तो जाहिर सी बात है अगर डोमेन की वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो ये हमारा क्या देगा, रेंज देगा, ठीक है, इसको भूल जाओ, f(x) भूल जाओ। अगर हम इस तरफ अगर डोमेन हमारा अगर डालेंगे, अगर इस तरफ हम डोमेन डालेंगे, डोमेन क्या होता है जो हम पॉसिबल इनपुट्स दे सके, तो हम इसमें इनपुट देंगे x में, क्यों, क्योंकि x वाला हमारा हमेशा डोमेन सेट होता है और y वाला हमारा रेंज सेट होता है, ठीक है। तो x में हम जैसे जैसे डोमेन देंगे y हमारा वैसे वैसे आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि x तो हमारे पास है, हमें तो y चाहिए ना, हमें y चाहिए, हमें रेंज चाहिए। और दूसरी बात, अगर ये x है तो ये हमारा डोमेन कैसे हो गया, तो ये मैंने बता रखा है पहले भी, हमारा ये इनवर्स है, आपस में क्या है, अगर ये डोमेन देगा तो ये हमारा रेंज देगा, अगर ये रेंज देगा तो ये हमारा डोमेन देगा। अगर मान लो किसी दूसरी दुनिया में चले गए, धरती छोड़ने का नौबत आएगा कभी, तो वहाँ पे कोई दूसरा मास्टर मिलेगा, कोई आइंस्टाइन वगैरह टाइप का, अगर आपसे बोले उस टाइम कि इसको डोमेन मान लो, वैसे हम इसको डोमेन मान सकते हैं, इसको हम डोमेन मान सकते हैं, ये हमारा डोमेन हो भी सकता है, गलत भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है, हम ये स्टैंडर्डाइज पहले से लेते चल रहे हैं, जैसे आप स्टैंडर्डाइज देखते हो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, उसी तरह से हमारा ये स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, कि x वाला हमारा क्या होगा, हमेशा डोमेन होगा, y वाला हमारा रेंज होगा, ठीक है। अगर दूसरे यूनिवर्स पे जाओगे तो वहाँ के हिसाब से अगर बोले y वाला हमारा डोमेन है, y वाला हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, और x वाला हमारा क्या है, रेंज है, तो उस हिसाब से आप कर भी सकते हो, ठीक है। बट आप धरती पे हो, धरती पे आपको एग्जाम देना है, तो आप क्या करोगे, x वाला हमेशा डोमेन, y वाला हमारा रेंज, ठीक है, यही मुझे बोलना था। तो इसलिए क्या करो, जब भी आपको कोई फंक्शन दे रखा है, इस तरह से बना के दे रखा है, कुछ अजीब गरीब मिक्स फ्रैक्शन एक तरह से, सॉरी मिक्स फंक्शन है, जब भी आपको ऐसा दे रखा है तो क्या करो, उसको एक y की तरह, मतलब y को अलग कर लो, और जितना भी फंक्शन है उसको सेपरेट करके उस तरफ भेज दो, y को इस तरफ कर लो और y x को सेपरेट करके पूरा जो भी फंक्शन है, जो भी कचरा है, उस तरफ भेज दो, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब देखो अब क्या क्या करना है, अब हमें इसका हमें सेट तैयार करना है। तो कैसे सेट तैयार होगा, पहले हमारा x का एलिमेंट, x हमारा क्या है, x हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, x हमारा क्या है वैसे, x हमारा डोमेन है, ठीक है। और डोमेन मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमारा डोमेन कौन सा होगा, a वाला सेट ही, a टू a, यानी कि डोमेन हमारा कौन सा होगा, a वाला सेट हमारा डोमेन होगा। और बता भी रखा है x हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है। तो देखो x की वैल्यू मैं 1 डालूंगा,
x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी, तो डोमेन पहले लिखते हैं, तो 1 डाला, 1 डालने पर हमारा आंसर कितना आ गया, y कितना आ जाएगा, x की वैल्यू मैं 1 डाल रहा हूँ, तो देखो y हमारा 3 इंटू 1 हमारा 3 आ जाएगा, तो यानी कि y हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू मैं 2 डालूंगा, x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो y हमारा कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 हमारा 6 आ जाएगा, तो y हमारा 6, फिर x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी उसी तरह से, तो 3 x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी 3, तो यानी कि 3 3 9 आ गया। मैंने x की वैल्यू 4 डाल दी, तो समझे हो, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाएगा x की जगह, तो ये हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ मुझे, x की वैल्यू मैंने 5 डाल दी, 4 की जगह मैंने क्या डाल दिया, 5 डाल दिया, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 5 3 15, ठीक है। ऐसे करते करते तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, क्या इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्या इसमें लिमिटेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा डोमेन सेट, हम तो डालते जा रहे हैं, क्योंकि डोमेन हमारा अभी भी मतलब इनफाइनाइट नहीं जाएगा, मतलब 14 तक हमें डालना पड़ेगा, हमें 14 तक डालना पड़ेगा, और हमने डाला कितने तक, हमने अभी 5 तक ही डाला है, इसका मतलब क्या है, अभी भी 9 एलिमेंट अभी भी बचे हैं, यानी कि 9 ऐसे ऐसे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर अभी और तैयार होंगे, तो क्या हमारे 9 तक अभी और 9 लिखने हैं, नहीं, क्यों नहीं लिखने, ध्यान दो, यहाँ पर हमें बता रखा है कि वाई हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, वाई हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, वाई हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, वाई हमारा ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वाई का जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा ये भी हमारा इसमें से ही होगा, तो यानी कि वाई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी है हमारी, वाई की मैक्सिमम वैल्यू 14, वाई की मैक्सिमम वैल्यू 14, और वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की मिनिमम वैल्यू 1, तो मिनिमम वैल्यू की जरूरत नहीं, मैक्सिमम देखो कितनी है हमारी 14 है, यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी आ गई, हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये हमारा x वाला, ये हमारा y वाला, ये x हमारा, ये y, x वाला हमारा क्या होता है डोमेन, और अब जो हमारा y वाला आता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज, इसको हम रेंज बोलते हैं, इस वाले को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है, मतलब सेट तैयार होता है, जनरल मैं बता रहा हूँ, वैसे सेट तैयार होता है, डोमेन का सेट, रेंज का सेट, डोमेन कोई ऐसा सिंगल बोल भी सकते हो, डोमेन का हमेशा क्या होता है, सेट होता है, चाहे एक एलिमेंट का हो चाहे इन्फाइनाइट एलिमेंट का हो, तो ये क्या है, अब यहाँ पर देखो ये x वाला, ये y वाला, अब देखो y की वैल्यू हमारे यहाँ पास कितनी आ गई, 15 आ गई, अब मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, सही सही बताना, गलत मत बताना, वरना फिर देख लेना, फिर क्या देख लेना, कुछ कर भी नहीं सकता, आप लोग ही ज़्यादा हैं, पकड़ के मुझे पीट पाट भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो y की वैल्यू कितनी है हमारी, 15 आ गई, बट y की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी है, 14 है, इसका मतलब क्या है, हमें इसे काटना पड़ेगा, यानी कि एक मेहनत बर्बाद, मेहनत हमारी बर्बाद, तो इसको हमें काटना पड़ेगा, तो हमारा वाई कितना आ जाएगा, वाई की मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी हो सकती है, 14 हो सकती है, तो वाई हमारा बस 12 तक ही जाएगा, यानी कि हमारे पास ये चार एलिमेंट तैयार होंगे, कितने हैं, 1 2 3 4, चार एलिमेंट पेयर्स तैयार होंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका डोमेन बताओ, डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन सेट, क्या डोमेन सेट हमारा 1 2 3 4 14 तक होगा, नहीं, ये हमारा डोमेन सेट है, या फिर इसको आप ऐसे ही पूछ सकते हो, डोमेन आपका क्या है, जो ना हम इनपुट दे सकें, वैसे ही आपका डोमेन सेट है, समझना, डोमेन सेट अगर आपसे डोमेन पूछा, इसका मतलब ये नहीं आप पूरा उठा कर डाल दो, डोमेन आपका मतलब क्या है, कि आपने वैल्यू क्या क्या डाली है, डोमेन का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, डोमेन सेट है, यानी कि डोमेन हमारा इससे बिलोंग करेगा, ये हमारा कोडोमेन सेट है, और ये हमारा डोमेन सेट है, यानी कि हमारा जो डोमेन होगा वो हमारा इससे बिलोंग करेगा, यानी कि जो हमारा जो डोमेन इस क्वेश्चन में होगा वो हमारा इन 14 वैल्यू में, इन 14 वैल्यूज में से ही डोमेन होगा, ये जरूरी नहीं है कि 14 की 14 वैल्यूज हमारे डोमेन हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है कि 14 के 14 वैल्यूज हमारे डोमेन ना हो, कभी कभार हो भी सकता है कि 14 के 14 वैल्यू हमारे डोमेन हो जाते, मतलब सारे वैल्यूज हमारे डोमेन हो जाते, बट ये जरूरी नहीं है, जो कभी कभार हो जाए भी, हो भी जाए कभी ना भी हो, ठीक है, हो भी सकता है, तो इसलिए अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा क्या होता है, जो हम इनपुट दे सकते हैं या फिर जो हमने इनपुट दिया है, अब तो हमने दे दिया इनपुट, क्या क्या हमने इनपुट दिया है, एक तो हमने 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और एक 4 दिया है, तो इसमें हमारा डोमेन सेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, डोमेन हमारा ये आ गया। रेंज की बात करूं, रेंज हमारा क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है, जो हमारा आंसर आता है, तो इसमें आंसर हमारा क्या है, देखो 1 डालने पर हमारा आंसर 3 आया, 2 डालने पर हमारा 6 आया, 3 डालने पर हमारा 9, 4 डालने पर हमारा 12, तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, 3 6 9 और एक हमारा 12, ये हमारे पास डोमेन आ गया, ये हमारे पास रेंज आ गया। अब बारी है कोडोमेन की, कोडोमेन पूछा आपसे, कोडोमेन क्या होता है, वो सेट जिसमें हमारा रेंज सेट बिलोंग कर रहा हो, वो सेट जिससे हमारा रेंज सेट बिलोंग कर रहा हो, तो कोडोमेन यहाँ पे देखो, कोडोमेन हम किसको बोलते हैं, आ रहे हैं कोडोमेन हमेशा हम दूसरा वाला जो सेट होगा उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। इस वाले में क्या है हमारा, ए टू ए, इसका मतलब क्या है, ये वाला तो हमारा कोडोमेन होता है, ये वाला हमारा कोडोमेन होता है, दूसरा वाला सेट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी चाहे जितने भी, अगर आपके पास कभी भी कोडोमेन पूछे आपसे, गांठ मान लेना,
पहली बात क्या, कोड मेन हमारा रेंज सेट होता है, मतलब कोड मेन ऐसा सेट होता है जिससे हमारा रेंज बिलोंग करता है। दूसरी बात, कोड मेन अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे और आपको दे दे जैसे एक रिलेशन है ए टू बी, एक रिलेशन ए टू बी, या फिर ऐसे ज्यादा लिखते हैं ए से लेके बी तक, तो कोड मेन जब भी पूछे तो बी वाला हमेशा हमारा कोड मेन होता है। बी वाला हमें हमेशा कौन सा होता है, कोड मेन होता है, और ए वाला हमारा किसे होता है, डोमेन, डोमेन, ए वाला हमारा डोमेन, बी वाला हमारा कोड मेन, इस तरह से हमारी चलती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन हो गया कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, नोट कर लो पॉज करके, क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या बोल रहा है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। क्वेश्चन नंबर टू हमसे बोल रहा है डिफाइन अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर, समथिंग दे रखा है एक्स वाई इज टू मई, दिस इज दिस, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन फोर, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमसे बोल रखा है कि आर हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स का सेट होना चाहिए, यानी कि आर हमारा क्या होना चाहिए, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, तो ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हम क्या बोल सकते हैं, डोमेन हमारा एन होगा और कोड मेन हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा एन होगा, यानी कि नेचुरल नंबर्स का सेट हमारा डोमेन, नेचुरल नंबर्स का सेट हमारा कोड मेन। अब उसके बाद देख लो कंडीशन क्या लगा रखी है, तो कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है, आर हमारा क्या होगा, सच दैट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, वाई हमारा क्या होगा, एक्स प्लस फाइव, वाई हमारा एक्स प्लस फाइव, और उसके बाद एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि एक्स हमारा एन को बिलोंग कर रहा है, तो ये बता रखा है एक्स जो नेचुरल नंबर लेस देन फोर, लेस देन फोर है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं बोल रखा, लेस देन एंड इक्वल टू नहीं बोल रखा, बस लेस देन फोर बोल रखा है। साथ ही साथ एक्स और वाई हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, तो ये तो हमें पता ही है क्योंकि हमारा डोमेन सेट और कोडोमेन सेट हमारा नेचुरल नंबर है, तो एक्स और वाई हमारा किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। तो अब हमें तैयार करना है, तैयार करो, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, एक्स हमें चार तक डाल सकते हैं, चार तक डालना है हमें, एक्स की वैल्यू में कितने डाल दिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चार तक, यानी कि चार से पहले, यानी कि तीन तक ही डाल सकते हैं। देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब एक्स हमारा फोर तो नहीं हो सकता, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू में कितने डाल सकते हैं, तीन डाल सकते हैं, फिर दो, फिर एक, फिर जीरो, फिर माइनस वन, फिर माइनस टू, फिर ऐसे करते करते हम तो इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। फिर क्या हम पीछे इनफाइनाइट तक हम वैल्यू डालते रहें, नहीं। अब यहाँ पर तो समझो क्यों नहीं डालेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमेन सेट है, यानी कि डोमेन हमारा एन में से ही बिलोंग करेगा, यानी कि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर्स के अंदर ही हमारा डोमेन होगा। तो इसमें से देख लो इसका मतलब क्या है, ये तो हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, ये तो हमारा नेचुरल नंबर है ही नहीं, यानी कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर है वन टू थ्री, तो यानी कि हमारा डोमेन सेट क्या हो जाएगा, वन टू थ्री, यानी कि हम ये वैल्यूज डाल सकते हैं, ये वैल्यूज डाल सकते हैं, और इस हिसाब से हमारा वाई आएगा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, वन टू थ्री, और वही हम डालेंगे। तो डालो, तो x की वैल्यू जब मैंने 1 डाल दी, x की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो y हमारा कितना आ रहा है, 1 डालने पर हमारा 6 आ रहा है, फिर x की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, तो y हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, x की वैल्यू मैंने 3 डाल दी, तो y हमारा आंसर 8 आ रहा है, और ये हमारा बन गया सेट, ये हमारा रिलेशन बन गया, रिलेशन सेट। इसके बाद आपसे इसमें डोमेन भी पूछा शायद, रिलेशन यूडिंग रोस्टर फॉर्म, राइट अंदर डोमेन, राइट अंदर डोमेन एंड द रेंज, डोमेन और रेंज पूछ रहा है, तो लिख लो यहाँ पर फटाफट डोमेन, डोमेन हमारा क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नहीं, डोमेन हमारा क्या होता है, जो हम इनपुट में डालते हैं, तो हमने इनपुट में क्या क्या डाला है, वन टू और थ्री, तो हमें डोमेन हमारा हो जाएगा वन टू एंड थ्री। रेंज की बात करें रेंज की बात करें तो हमारा सिक्स सेवन और एट जो हमारा आंसर आया, तो सिक्स सेवन एंड एट। कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या होता है, वो ऐसा सेट जिसमें हमारा रेंज बिलोंग कर रहा है, या फिर दूसरा वाला सेट हमारा हमेशा क्या होता है, कोडोमेन, तो हमारा एन हो जाएगा कोडोमेन, एन हमारा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। देख लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं। एक सेट ए दे रखा है हमारे पास, नोट कर लो पॉज करके, नोट करना है तो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या दे रखा है हमें, एक सेट ए दे रखा है हमें, एक सेट ए दे रखा है हमारे पास, कोई एलिमेंट है उसमें क्या क्या है, वन टू थ्री एंड फाइव, एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट हमारे पास बी दे रखा है साथ ही साथ, एंड बी सेट हमारा क्या दे रखा है, फोर सिक्स नाइन, ये दे रखा है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इक्वल्स टू मे दिस टू दिस, आपको बोल रखा है एक रिलेशन पहले लिखना है,
रिलेशन क्या होगा, ए से बी तक, बी तक, यानी कि ए हमारा कौन सा सेट है, ए हमारा डोमेन सेट है जिसमें से हम डोमेन यानी कि जो हम वैल्यूज देंगे, बी हमारा क्या होता है कोडोमेन सेट जिसमें से हमारा आंसर आना चाहिए, बी हमारा क्या है डोमेन सेट है जिसमें से हमारा आंसर आना चाहिए यानी कि कोडोमेन सेट है, ठीक है, बी हमारा कोडोमेन, डालते हैं फटाफट वैल्यूज और आंसर ले लेते हैं। देखो अब मैं आंसर इसमें डाल रहा हूँ वैल्यूज, वैल्यू डालने से पहले क्या कंडीशन दे रखी है ये देख लेते हैं, आर हमारा क्या है सच दैट एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स कॉमा वाई द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, क्या बोल रखा है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स एंड वाई इज ऑड है सच दैट एक्स हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स हमारा ए को बिलोंग करेगा जाहिर सी बात है और वाई हमारा बी को बिलोंग करेगा, ये हमारा कुछ सेट है, ये हमारा कुछ सेट है। तो अब हमें लिखना है इसमें एक चीज़, इसमें देख लो ए टू बी, ठीक है, अब हमें इसमें क्या लिखना है, पहले एक दो बकवास फिर से, दो चार बातें समझ नहीं है आपको, क्या समझनी है, जब भी आपको ऐसा डिफरेंस लिख रखा है देखो इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, तो अगर मैं इतना बोलूँ इतने को अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो उसको हम कैसे लिखेंगे ये मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ। मॉडुलस फंक्शन मैंने पढ़ा है, मॉडुलस फंक्शन शायद पाँचवा छठा लेक्चर है, मॉडुलस फंक्शन को यूज़ करके हम इसको हम ऐसे शॉर्टकट में लिखते शुरू करते हैं। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब भी अगर आपको 4 और 3 का डिफरेंस निकालने का बोल रखा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो तो हमारा आंसर कितना आ गया 1, तो डिफरेंस हमारा ये होता है। उसी तरह अगर मान लो मैंने आपको 3 और 1 दे रखा है तो इसका डिफरेंस आप क्या निकालोगे 3 माइनस 1 2, डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको और छोटा वाला नंबर है उसको, तो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर मैं सब्ट्रैक्शन पूछूं, अगर मैं अब यहाँ पर देख लो 3 माइनस 1 अगर करने के लिए बोलूँ हमारा आंसर कितना आ रहा है 2, 3 या फिर 1 माइनस 2 अगर करूँ यानी 1 माइनस 3, सॉरी मैंने क्या कहा पहले 3 माइनस 1, अब मैं कर रहा हूँ 1 माइनस 3 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा माइनस 2, ये आ रहा है कुछ। अब इसमें देखो क्या आप माइनस 2 को प्लस 2 बना सकते हो, कोई तरीका है आपके पास माइनस 2 को प्लस 2 बना सकते हो, बता रखा है क्या तरीका था, यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन लगा दो, यहाँ पर हमारा मॉडुलस लगा दो, तो मॉडुलस लगाते ही जो माइनस वाली वैल्यू है हमारा प्लस में बदल जाएगा यानी कि माइनस 2 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 में, तो मॉडुलस हम लगाते ही हमारा क्या होता है माइनस को उड़ा देता है, छू मंतर कर देता है, तो माइनस हमारा उड़ जाएगा यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन इतना ध्यान दो, अब ये भूल जाओ जब भी आपको किसी वैल्यू को अगर आपको पॉजिटिव करनी है तो क्या तरीका होता है मॉडुलस लगा दो हमारा आंसर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी अगर मैं मॉडुलस लगा दूँ तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 2। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल्स टू में मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3, इतना मैं बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ 3 माइनस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 3, क्यों 3 माइनस 1 घटाऊंगा 2, 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे तो हमारा पॉजिटिव रहेगा ही, 1 माइनस 3 हमारा -2, मॉडुलस चलो तो लगा भी देते हैं तो मॉडुलस हटाएंगे तो 2 ही आएगा, जब मॉडुलस होगा मॉडुलस के अंदर क्या है हमारी नेगेटिव वैल्यू तो हमारा आंसर सिर्फ 2 आ जाएगा, तो देख लो हमारा आंसर क्या आ गया इक्वल आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, अब मैंने आपको ये क्यों बताया अब आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पर हमारा देखो x और y का क्या बोल रखा है डिफरेंस निकालना है, आपको x और y का डिफरेंस निकालना है। अगर मैं आपको बोलता हूँ x माइनस y करोगे और अब मुझे बताओ x और y में से हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है, x माइनस y तो हमने कर दिया बट मैं आपसे पूछूँ x और y में से हमारी बड़ी वैल्यू कौन सी है, पता ही नहीं होगा हमें, क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि हो सकता है शायद x वाली बड़ी हो जाए, हो सकता है हमारी y वाली बड़ी हो जाए, यानी कि मान लो x वाली हमने 1 उठा लिया और y हमने उठा लिया 9, तब तो हमारी ये नेगेटिव हो जाएगी, जैसे कि x मैंने उठा लिया 1 और y मैंने उठा लिया 9, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -8, बट माइनस तो हमारा आ नहीं सकता क्योंकि डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे मॉड लगा देंगे, तो मॉड लगा दो, तो ये डिफरेंस लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया मॉड लगा दिया, मॉड लगाते ही नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही होगी, नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही होगी तो हमारा प्लस में आ जाएगा, और अगर प्लस आ रहा है तो हमारा ऐसे ही प्लस में रहेगा, ठीक है। मॉडुलस का हम यूज़ ऐसे कर रहे हैं, तो इसको हम काट क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, इसको हमारा तरीका होता है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा ऑड होगा, जिसमें से हमारा एक्स ए को बिलोंग करेगा वाई हमारा बी को बिलोंग करेगा, तो ये तो होगी बकवास मतलब नॉलेज ये एक तरह से आगे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये, ठीक है, ये कैलकुलस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले से बता रखा है। अब क्या बता रखा है, सॉरी पूछ रखा है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आपको रोस्टर फॉर्म में बस इसको लिखना है, तो फटाफट लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, एक एलिमेंट डालते जाओ और एक एलिमेंट का हमारा आंसर आता जाएगा। अब देखो एक चीज़, एक्स माइनस वाई हमारा ऑड आ रहा है,
एक और चीज में समझ लो, एक और चीज समझो, अगर मैं एक में माइनस कर रहा हूँ 3-1, एक में माइनस कर रहा हूँ 3-2, एक में माइनस कर रहा हूँ 3-, या फिर इसको 3 नहीं करते, इसको हम कर देते हैं 4-2, इसको मैंने कर दिया 4-2, अब मैं माइनस कर रहा हूँ 3-1, जो मेरा पहले हो गया 3-2, अब देखो ध्यान दो इस बात पे, 3-1 करने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 2, 4-2 करने पर हमारा आंसर आ रहा है 2, 3-2 करने पर हमारा आंसर आ रहा है 1। अब मेरे कहने का मतलब क्या है समझो, ये हमारा क्या है ऑड नंबर, ये हमारा क्या है ऑड नंबर, ये हमारा क्या है इवन नंबर, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा है इवन नंबर, ये हमारा क्या है ऑड नंबर, ये हमारा क्या है इवन नंबर, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमारा क्या है इवन, ये हमारा क्या है इवन, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ऑड है। कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ऑड माइनस ऑड का डिफरेंस निकालोगे, ऑड माइनस ऑड का डिफरेंस निकालोगे, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। जब भी आप अगर इवन माइनस इवन का अगर आप, या फिर इवन माइनस इवन, यानी कि इवन का डिफरेंस निकालोगे, इवन नंबर्स का डिफरेंस निकालोगे, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। बट अगर आप एक एक इवन और एक ऑड का डिफरेंस निकालोगे, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑड। चेक कर लो, 3-2 अगर डिफरेंस में निकालूं, तो एक ऑड है हमारा, एक इवन है, या फिर ऐसे रहने देते, देख लो एक बार, एक क्या है हमारा ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। साइन वगैरह भूल जाओ, अभी साइन वगैरह छोड़ दो, एक ऑड है हमारे पास, एक इवन है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। इवन इवन माइनस करने पर हमारा आंसर इवन, ऑड माइनस ऑड करने पर हमारा आंसर इवन। तो इसका मतलब क्या है, हमें आंसर में क्या चाहिए इस बार, ऑड चाहिए, ऑड चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें ऑड और इवन का डिफरेंस हमें निकालना है, हमें ऑड और इवन का डिफरेंस निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक नंबर हम एक्स, अगर इसमें से हम इवन उठाएंगे, अगर इसमें से हम इवन उठाते हैं, तो इस वाले में से हमें क्या इवन उठाना पड़ेगा, बात समझो। अगर मैंने इस वाले में से इवन उठाया, बट मुझे डिफरेंस ऑड चाहिए, तो क्या इस वाले में से कौन सा मैं नंबर उठाऊंगा, इस वाले से मैं ऑड नंबर उठाऊंगा, यानी कि अगर इसमें से मैं अगर इवन उठाता हूं, तो इसमें से मुझे ऑड उठाना पड़ेगा, अगर इसमें से मैं ऑड उठाता हूं, तो इस वाले में से मुझे इवन उठाना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखो, अब मैंने पहले वन उठाया, वन उठाया, वन क्या है हमारा ऑड, तो इसका मतलब इसमें से इवन वाला उठा लो, तो वन और एक फोर, वन और एक सिक्स, वन माइनस फोर करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -3 आएगा, बट मॉडुलस लगा देंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस होगा 1-4 का हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, जो कि हमारा ऑड है। 1-6 का 5, ठीक है। अगर मैं 9 उठाऊंगा, तो एक तो हमारा 1 ऑड है, 9 मैंने उठा लिया, वो भी हमारा ऑड है, ऑड माइनस ऑड करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। तो इसका मतलब वो वाला केस तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो ऑड चाहिए सिर्फ। अब देख लो, अब मैंने 2 उठाया, 2 उठा लिया, 2 उठाने के बाद, 2 उठाया मैंने, 2 उठाने के बाद 2 हमारा क्या है, इवन है, इवन इस तरफ उठ गया, अब मुझे यहाँ से ऑड चाहिए, तो ये तो हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन है, तो हमें बस अब 9 चाहिए। ठीक है, ये हो गया। फिर अब ये हमारा 3 उठाओ, 3 हमारा क्या है, ऑड है, ऑड हमने यहाँ से उठा लिया, तो हमें यहाँ से इवन चाहिए, तो एक इवन 4 है, एक 6 है, तो हमें 4 पहले और एक हमारा 3-6। अब देख लो आखिरी वाला हमारा एलिमेंट 5 है, 5 हमारा क्या है, ऑड है, तो हमें यहाँ से अब इवन चाहिए, तो हमारा एक इवन 4 है, एक 6 है, तो हमारा आ जाएगा 5-4 और एक हमारा 5-6, तो ये हमारा आ जाएगा रोस्टर फॉर्म। चाहे ये तरीका अपना लो, चाहे दूसरा तरीका यही अपना लो, कि पहले ए से बी, यानी कि ए क्रॉस बी निकाल दो, ए क्रॉस बी निकालोगे, हमारे पास कोई एक बड़ा सेट तैयार होगा, उस बड़े सेट में से आप ऑड मतलब ऐसे माइनस कर करके एक ऑड छाट सकते हो, ऐसे माइनस कर करके ऑड छाट सकते हो, एक तो ये तरीका है। तो वो थोड़ा सा लेंदी मेथड पड़ जाता है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मतलब थोड़ा सा वही है, बस देखने का फर्क है, क्या होता है, देखने का नज़रिया। आपने मैं देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मैं तो खासकर बहुत ज़्यादा देखता था, उसमें क्या बोलते थे, देखने का नज़रिया बदलो, देखने का नज़रिया बदलो, तो वही वाली बात है। इसमें हमने क्या करा, थोड़ा सा अलग तरीके से देखा, चाहे आप ऐसे कर लो, ऑड इवन वाला आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, चाहे वैसे कर लो, चाहे आप बड़ा सा मेथड करके सॉल्व कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो, डायरेक्ट डिफरेंस निकालते हुए करो ना, फिर 1-4 करने पर हमारा कितना आ रहा है, -3 हमारा क्या है, ऑड चलेगा। 1-4 6 करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, -5 हमारा क्या है, ऑड। 1-9 करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है, -8, या -8 हमारा क्या है, इवन है। ऐसा भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, नोट कर लो, पॉज करके नोट करने दो, नोट कर लो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखने का नजरिया बदलो। सही बात है,
एकदम सही बात है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर हमसे बोल रखा है, फोर में फिगर 2.7 शोस अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। एक फिगर दे रखी है 2.7, आपके बुक पर, अपनी बुक में भी है, देख लो। 2.7 हमें दे रखा है, एक रिलेशनशिप बता रखा है सेट पी एंड क्यू। क्या है हमारे पास, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये मेरे पास सेट पी है, ये मेरे पास सेट क्यू है, सेट पी मेरे पास सेट क्यू, ठीक है। दोनों हमारे पास सेट है, पी में हमारे पास एलिमेंट है 5, 6, 7, 5, 6 एंड 7। क्यू में हमारे पास एलिमेंट है 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। और उसके बाद हमें मैपिंग दे रखी है, 5 डालने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, 6 डालने पर हमारा आंसर 4 आ रहा है, 7 डालने पर हमारा आंसर 5 आ रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस वाले को हम x बोलते हैं, इस वाले को हम y बोलते हैं, इस वाले को साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात है, मैं एक बार मार्कर को इंक पिला दूँ, बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है। तो हमारा क्या था, ये x वाला सेट, ये हमारा y वाला सेट, ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन, ऐसा कुछ दे रखा था। अब पूछा गया हमसे, ये देख लेते हैं, पहले पूछा है राइट द दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिलेशन लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना पहले, तो ये हमारा सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि हमारा ऐसा फॉर्म जिसमें हम एक फॉर्मूला तैयार कर देंगे इन जनरल और हमारा आंसर आता जाएगा। चलो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले एक फॉर्मूला चाहिए होगा, एक जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं कुछ इसमें, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ 5 में से अगर मैं माइनस 2 कर रहा हूँ तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, या फिर ऐसे देख लो 5 में से अगर मैं माइनस 2 कर रहा हूँ तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 3, 6 में से मैं माइनस 2 कर रहा हूँ तो हमारा आंसर 4 आ रहा है, 7 में से मैं माइनस 2 कर रहा हूँ हमारा आंसर 5 आ रहा है, सिमिलरिटीज तो दिख गई। अब इसको हमें क्या लिखना है, y के टर्म्स में लिखना है, हमें y के टर्म्स में लिखना है। तो देखो y वाले में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, हमारा x के इक्वल आ जा रहा है, चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो। y को मैंने क्या बोला था, हमेशा अलग, तो y वाले में से मैं y वाले को हमारा आंसर कब आ जाएगा, जब हम x में से 2 को घटा देंगे, वही बात है जो मैंने पहले लिखा था, वही देखो y में से मैंने उठाया पहले, y हमारा क्या है, y में से मैं मान लो मैंने 3 उठाया, तो इस तरफ हमारा 3 आ गया, और 3 हमारा किस में आ रहा है, हमारा 5 पे आ रहा है, तो x मैंने मैंने 5 उठा ली, 5 माइनस 2 करने पर हमारा आंसर कितना आ जा रहा है 3, तो 3 डालने पर हमारा 3, क्या करा मैंने, y का मैंने 3 उठाया, y का मैंने 3 उठा लिया, और या फिर ऐसे देख लो, बहुत सारे तरीके हैं। x का वैल्यू मैं पहले उठाता हूँ, x की वैल्यू मैंने पहली वैल्यू उठा ली, मेरे पास क्या है 5, 5 माइनस 2 करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 3, देखो 3 है, 3 हमारा किस, ये 5 डालने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 3, 5 डालने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, तो मैंने 5 डाला तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ऐसे देख लो चाहे, जब मैंने x को 5 यूज़ करा तो हमारा आंसर 3 आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा ये रिलेशन चल जाएगा, यानी कि एकदम एक नंबर का झकास, एकदम टनाटन सही है। अब हम इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो लिखो सेट बिल्डर फॉर्म, तो क्या तरीका है, x कॉमा y, क्या है हम ऑर्डर पेयर, हम x कॉमा y लिखते हैं, x हमारा क्या है डोमेन, y हमारा कोडोमेन, x कॉमा y सच दैट y इक्वल्स टू में x माइनस 2, y क्या हमारा है x माइनस 2, इसका शायद नाम भी दिया होगा, हाँ p और q दे रखा है, एक सेट इसको p बोलेंगे, इसको हम q बोलेंगे, ठीक है। तो y हमारा क्या है x माइनस 2, जो जनरल फॉर्म में तैयार करता, उसके बाद y हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, y हमारा q को और x हमारा p को, तो x पहले लिखते हैं, तो x हमारा p को बिलोंग करेगा और y हमारा q को बिलोंग करेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म की बात करें तो क्या रोस्टर फॉर्म में इसमें हम वैल्यू डालते जाएं और आंसर हमारा आता जाएगा, तो ऐसा करें नहीं, क्यों करें ऐसा, जब हमारे पास डायग्राम दे रखा है हम उस डायग्राम को यूज़ करेंगे, क्या डायग्राम हमारे पास, ये एरो डायग्राम दे रखा है, यानी कि 5 की वैल्यू को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर 3 आ रहा है, 6 की वैल्यू को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा 4 आ रहा है, जब हम 7 यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर 5 आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं फटाफट, जब हम 5 यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जब हम 5 डाल रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, इसमें 5 डाला तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 3, 5 डालने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है, 6 डालने पर हमारा आंसर 4 आ रहा है, उसके बाद हमारा 7 डालने पर 5 आ रहा है, 7 डालने पर हमारा 5 आ रहा है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। और भी कुछ पूछा है, उसके बाद डोमेन रेंज पूछ रहा है, डोमेन रेंज, तो डोमेन हमारा क्या होता है, जो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, जो वैल्यूज हमारी यूज हुई इसको हम डोमेन बोलेंगे, तो रोस्टर फॉर्म में कौन कौन सी वैल्यूज यूज हुई है, 5, 6 और 7, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, ये तो सेट होता है, तो 5, 6 एंड 7, तो ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज की बात करें, रेंज हमारा क्या होता है, जो हमारा आंसर है तो किस कौन सा है, 3, 4, 5, 3, 4, 5,
अब आप में से कितने बच्चे बोलेंगे जो ये हम एरो डायग्राम को देख के डायरेक्ट डोमेन नहीं लिख सकते, क्योंकि देख लो डोमेन हमारा पूरा आ गया, कोडोमेन हमारा पूरा रेंज बन गया, देख लो सारी वैल्यूज यूज हो गई ना कोडोमेन की, तो हमारा पूरा सेट रेंज बन गया। तो मैं बोलूंगा उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? पहली चीज, जो डोमेन वाला जो एलिमेंट है, अगर आप पूरा डोमेन का सेट एज इट इज उठा के लिखना चाहते हो तो भी आपको ये ध्यान में देखना पड़ेगा कि डोमेन वाला जो हमारा एलिमेंट है यानी कि जो एक्स वाले का जो एलिमेंट है वो सारे में से एक ना एक एरो जाना चाहिए, कम से कम एक एरो जाना चाहिए, सारे में से एक एरो जाना चाहिए। और उसके बाद जो रेंज वाला जो हमारा एलिमेंट है, जो रेंज वाला ये सॉरी कोडोमेन वाला, कोडोमेन वाला जिसमें से हमारा रेंज बिलोंग करता है, उसमें सबके पास एक ना एक तीर आना चाहिए, यानी कि सबके पास देखो एक ना एक तीर आना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट वैकेंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है खाली नहीं होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स के पास हमारे पास कोई एक ना एक तीर आनी चाहिए। तीर देख रहे हो ना, तीर आ रही है एकदम, वो तीर आ रही है, तो वो तीर आ रही चाहिए, ठीक है, ये तीर हमारी आ रखी है, इसलिए हमने इसमें क्या लिख दिया, हमारा पूरा डोमेन सेट एज इट इज डोमेन बन गया और हमारा कोडोमेन रेंज बन गया। ऐसे भी देख सकते हो, हमारा 5 भी यूज हुआ है, 6 भी यूज हुआ है, 7 भी यूज है और हमारा आंसर 3 भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, नोट कर लो, पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लो, देखते हैं आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं। पांचवे क्वेश्चन में एक सेट ए दे रखा है हमारे पास, लिख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन पहले, एक सेट ए दे रखा है मेरे पास, क्या सेट है हमारे पास वैल्यू 1, 2, 3, 4, उसके बाद हमारा 6, एक सेट दे रखा है, ठीक है। हम एक रिलेशन बता रहा है, रिलेशन बोल रहा है कहाँ पे डिफाइन होगा, आर पे डिफाइन हो, सॉरी ए पे डिफाइन होगा, आर भी रिलेशन डिफाइन ऑन ए, अच्छा ये डिफाइन ऑन ए लिखा रहता है कहीं पे, सिर्फ डिफाइन ऑन ए लिखने का मतलब क्या है, जो हमारा जो डोमेन होगा वो भी हमारा ए होगा और जो हमारा जो कोडोमेन होगा वो भी हमारा ए होगा, लिखने का नोटेशन है। डिफाइन ऑन ए का मतलब क्या है, जो हमारा डोमेन होगा वो ए, हमारा कोडोमेन वो भी हमारा ए ही होगा, यानी कि वही सेट होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक रिलेशन दे रखा है उसे डिफाइन हो रहा है, कैसा रिलेशन है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ए कॉमा वाई बी सच दैट ए कॉमा बी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग करेगा। उसके बाद हमारा बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, सॉरी ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई नाइन, इस कहने का मतलब क्या है, 9 कह रहा हूँ बार बार मैं, ए है, थोड़ी सी देखने की पंगा, देखने की दिक्कत है भाई, देखने का नजरिया। तो बी की हमारा क्या है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, इसका मतलब क्या है, जब भी आप बी को ए से डिवाइड करोगे, जब भी आप बी को ए से डिवाइड करोगे, एग्जैक्टली का मतलब क्या है, एग्जैक्टली का मतलब क्या है, एकदम पूरा पूरा कट जाएगा, एकदम पूरा लॉस्ट फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी, अब मुझे बताओ एग्जैक्टली लिखा है तो यहाँ पे क्या डेसिमल वैल्यू पॉसिबल है, नहीं, इसका मतलब क्या है, ना ही यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू आएगी, ना ही यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या है, जब भी इसको अगर आप इसको लोएस्ट फॉर्म में अगर करोगे तो ना ही यहाँ पर हमारी डेसिमल वैल्यू आनी चाहिए, ना ही हमारी फ्रैक्शन में आनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर मैं 5 को या फिर 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 15 को 3 से डिवाइड करूं तो हमारा क्या आ रहा है, ये आंसर 5, पहली चीज। अगर मैं वही 15 को अगर मैं 15 को किससे डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड करूं, या फिर 5 से नहीं, इसको हम कर लेते हैं 16 / 2, इसको करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 17 कर लेते हैं, हमारा आंसर 17। अब बताओ क्या ये डिवाइड हो जाएगा, 17/2 डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 8 × 16 यानी कि 8.5, ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ये हमारा आंसर 5 आ रहा है और ये हमारा 8.5 आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल में क्या होता है, जब भी कट कुट आके हमारी एक सिंगल डिजिट आनी चाहिए, पहली चीज, वो जो सिंगल डिजिट हमारी आएगी वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात, इंटीजर होना चाहिए, मैं नेचुरल नंबर नहीं बोल रहा, वो हमारा इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव में भी होगा तो चल जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा, पहले, दूसरी बात। तीसरी बात, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 होना चाहिए, कोई वैल्यू ना होने का मतलब सिर्फ 1 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आपको अब तक समझ में आया होगा, यानी कि पूरा पूरा कटना चाहिए, 3 से 5, 15 हमारा क्या है, पूरा पूरा कट रहा है, तो पूरा पूरा हमारा कटना चाहिए, कौन सा कटना चाहिए, ये वाला कटना चाहिए, जो नॉर्मल जो कटता रहता है वो वाली बात नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा कटना चाहिए। अब देख लेते हैं हमारा आंसर, तो हमारा 8 सेट तैयार हो जाएगा। अब देखो, अब आपको ऐसे ऐसे नंबर लेने हैं,
एक काम करते हैं, हम एक और बार ए को लिख लेते हैं, तभी हमको आसानी मिलेगी। तो 1, 2, 3, 4, 6 ऐसा कुछ है। अब हम क्या करते हैं, पहले ए को हम उठाते हैं 1 में से, और बी को हमें किस में से उठाना है, बी को हमें ए में से उठाना है। तो मैं बी को उठा रहा हूँ पहले, बी में से मैंने उठा लिया पहले 1 उठाया मैंने, ये मैंने बी में से 1 उठा लिया, ये हमारा बी वाला है, ठीक है, बी हमारा इसमें से बिलोंग करेगा, ए हमारा इसमें से बिलोंग करेगा। मैंने बी पहले उठाया 1, अच्छा 1 बताओ किससे पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, ए वाले में से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो 1 उठा के पहले डाल के देखो, तो 1/1 हमारा कितना आ गया 1। अगर मैं 1/2 डालूं, यानी कि अब मैं दूसरी बार पहले डालूं 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि वो हमें नीचे पूरा नहीं कटेगा। तो पहला एलिमेंट तो हमारा यही हो गया, पहला एलिमेंट हमारा क्या है 1, डालने पर हमारा आंसर 1, ठीक है, पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात, 2 वाला एलिमेंट उठाओ, 2 उठाओ, 2 हमारा किससे डिवाइड होगा, इसमें से A1 उठा के देखो, 2/1 हमारा कितना आ गया 2, पूरा 2/1 में, दूसरा वाला उठा के देखो 2/2 हमारा आंसर कितना आ गया 1। तो यानी कि एक तो 2/1 और एक 2/2, अच्छा इसके अलावा कोई और कोई पॉसिबल वैल्यू है, देखो अगर मैं अब डालूंगा 3, तो 2/3 यानी कि नीचे वाला आंसर हमारा, नीचे वाला वैल्यू हमारा बढ़ते जा रहा है। नीचे वाला वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, पूरा तो कटने से रहा, क्योंकि अगर नीचे वाला वैल्यू बढ़ रहा है तो पूरा तो कभी कटेगा नहीं, हमारा डेसिमल में और चला जाएगा आंसर, तो हमें तो वो तो चाहिए नहीं, तो इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा, बस 2 तक ही जाऊंगा। फिर उसके बाद 2 उठा लिया हमने, अब 3 उठा के देखो, 3 उठाओ, तो 3/1 हमारा आंसर कितना आ रहा है 3, तो ये चल जाएगा। तो यानी कि 3/1, सॉरी कुछ गलत लिख रहा हूँ इसमें, ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये मैंने उल्टा लिख दिया 2/1, 2 हमने किस में से उठाया था, बी में से, और ए हमने इसमें से उठाया था, और ये हमारा 1/3। क्यों ऐसा उल्टा हुआ, ये हमारा ए में से हम उठा रहे हैं, ये हम ए में से उठा रहे हैं, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, और ये हमारा बी है, और यहाँ पे ऑर्डर पे देखो पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है, बट यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, मैंने बी और ए उल्टा मैंने लिख दिया था, यहाँ पर हमें क्या ऑर्डर पेयर दे रखा है, a, b, हमें ऐसे लिखना है, तो हम वही वैसे लिख दिया मैंने a, b। अब देखो हम 3/1 देख सकते थे, अब 3/2 अगर मैं डालूँ, यानी कि b की वैल्यू मैंने 3 ले ली और a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो पॉसिबल है, नहीं है। अब मैं अगर a की वैल्यू 3 डाल दूँ, a की वैल्यू मैंने 3 डाली, b की वैल्यू मैंने 3 डाली, तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, b वाला लिखेंगे, तो b वाला हमारा क्या है 3, a वाला हमारा 3, इतना हमारा हो गया, हम 3 तक यूज़ कर चुके हैं। अब उठाओ 4 उठा के देखो, 4 b में से हमने 4 उठाया, a वाला हमारा क्या है 1, a वाला 1 उठा के देखो, तो 4/1 पूरा कट रहा है, तो b वाला एलिमेंट पहले हमारा 4, a वाला हमारा बाद में 1, तो यानी कि ये हमारा 1 बन जाएगा ये। दूसरा देखो, 4 मैं उठाता हूँ b वाला, अब कोई यार 2 से हो जाएगा, हाँ 2 से भी हो जाएगा, तो एक मैं b, फिर से मैंने वही लिख दिया क्या, हाँ वही लिख दिया, फिर से मैंने वही लिख दिया, हमने a क्या उठाया था 1 और b हमारा क्या था 4, ठीक है। अब देखो, अब मैं 4 को उठा रहा हूँ, 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये भी हमारा पूरा कट जाएगा, तो 2/4, फिर अब क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल वैल्यू है, हाँ एक 4 है, तो 4/4, 4/4 हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरी बात, अब देखो 4 तक हो गया, अब छठा उठाओ, 6 उठाओ, यानी कि b की वैल्यू मैं 6 उठा रहा हूँ और a की वैल्यू मैं 1 उठाऊँ, पहला 1 उठा के डालो, तो 6/1 हमारा आंसर कितना आ रहा है 6, यानी कि 1 चल जाएगा, तो यानी कि 1/6। फिर b की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, b की वैल्यू तो हमारी 6 ही रहेगी, अब मैं एक ही वैल्यू क्या ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ, एक ही वैल्यू 2 ले रही है कि 6/2 हमारा 3, ये भी चल जाएगा, यानी कि 2/3। फिर b की वैल्यू मैं 4, a की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ, a की वैल्यू 4 लेके देखता हूँ, a की वैल्यू मैं 4 लेके देखता हूँ, कटेगा पूरा 6/4 नहीं, अब मैं a की वैल्यू 6 ले रहा हूँ, यानी कि 6/6 ये भी हमारा कट गया, तो ये हमारा 6/6 ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद ऐसे चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि क्या क्या कोई हमने वैल्यू गलत तो नहीं उठा ली, क्या कोई हमने कोई वैल्यू गलत तो नहीं उठा ली। देखो 1/1 हमारा क्या आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, 2/1 हमारा क्या रहा है एग्जैक्ट वैल्यू, 2/2 हमारा क्या आ रहा है एग्जैक्ट 1, 3/1 हमारा क्या आ रहा है 1, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू है, 3/3 यानी कि 1 आ रही है अभी एग्जैक्ट, 4/1 ये हमारा एग्जैक्ट, 4/2 ये भी एग्जैक्ट, 4/4 एग्जैक्ट, 6/1 उसी तरह, ये क्या लिख दिया, ये 6 है हमारा, 6 था ना ये, तो मैंने काट के लिख दिया, 6/2 ये भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, और 6/6 ये भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, इसका मतलब क्या है हमारे सारे एलिमेंट सही है। नोट कर लो, बेटा यार, ठीक है।
ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसमें चाहो तो एक और चीज ध्यान दे सकते हो थोड़ा सा, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या है, वाई हमारा क्या आ जाएगा, एक तरह से हम एक वेरिएबल वाई मान लेते हैं। वाई हमारा क्या है, बी कॉमा ए, वाई हमारा क्या है, बी कॉमा ए। अब हम बी को क्या लिख देते हैं, वाई कॉमा वाई ए, बी को मैंने वाई ए लिख दिया। वाई मैंने एक एग्जैक्ट कोई मैंने वेरिएबल मान लिया, यानी कि वाई को मैंने क्या मान लिया, इस ऑर्डर पेयर के इक्वल मान लिया। हमें ऑर्डर पेयर निकालना है, तो वाई के लिए मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू मैं डालते जाऊँगा, ए की वैल्यू मैं डालते जाऊँगा। अगर ये छोड़ो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, रहने दो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज़्यादा, फिर आप भूल भुला जाओगे, ठीक है। इतना ही रखो, इतना ही रखो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो पॉज करके। अच्छा कर ही लिया होगा, फिर तो पहले ही बोल दिया। पांचवा हो गया हमारा। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमें क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द आर, एक फंक्शन दे रखा है हमें, हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। क्वेश्चन नंबर छठा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा, एक हमें डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, आर हमें क्या दे रखा है, आर हमारे पास है एक्स कॉमा एक्स प्लस फाइव, सच दैट एक्स हमारा किसको बिलोंग करेगा, एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है, हमारे पास दे रखा है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है ये लिखा हुआ, ठीक है। एक्स हमारा इससे निकल रहा है। अब हमें डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोल रहा है, तो डोमेन और रेंज निकालना है हमें, तो डोमेन और रेंज तो हमारा ऐसे ही आते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे हमारा डोमेन और रेंज आता जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पहले हम x की वैल्यू डालते हैं, x की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, ये सब वैल्यूज मिट गया। x की वैल्यू मैं पहले क्या डाल रहा हूँ, x की पहली वैल्यू मैंने जीरो डाल ली, यहाँ पर जीरो डाली, यहाँ पर अगर मैं जीरो डाल रहा हूँ तो फाइव प्लस जीरो हमारा फाइव, फिर x की वैल्यू मैंने वन ले ली तो x की का मैंने क्या डाल दिया वन, वन प्लस फाइव हमारा कितना आंसर आ गया सिक्स, x की वैल्यू मैंने टू ले ली, टू लिया मैंने तो टू प्लस फाइव हमारा आंसर कितना आ रहा है सेवन, x की वैल्यू मैंने अब थ्री ले ली, थ्री उठाई मैंने तो थ्री प्लस फाइव हमारा आंसर कितना आ रहा है एट, उसी तरह से अब कौन सा हमारा फोर, फोर मैंने ले लिया तो फोर प्लस फाइव हमारा आंसर आ रहा है नाइन, मैंने फाइव ले लिया यानी कि फाइव प्लस फाइव हमारा आंसर आ रहा है टेन, ठीक है। इतना आ रहा है, जीरो डालने पर पाँच, एक डालने पर छः, दो डालने पर सात, तीन आठ, चार नौ, पाँच दस, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब इसको आपको डोमेन और रेंज बताना है, तो बहुत आसान है। डोमेन हमारा क्या है इस बार, जीरो वन टू थ्री और फोर और एक फाइव, ये हमारा डोमेन है। रेंज की बात करें, रेंज हमारा क्या है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन और एक टेन, हमारा ये आ गया रेंज, ये हमारा आ गया डोमेन, डोमेन और रेंज, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन नोट कर लो। सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, एक रिलेशन हमें लिखना है, कुछ ऐसा अजीब सा रिलेशन है, सातवां क्वेश्चन है, हमसे रिलेशन दे रखा है। रिलेशन हमारा क्या है, x कॉमा ऑफ x क्यूब, x कॉमा ऑफ x क्यूब सच दैट x हमारा क्या है इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x हमारा क्या है इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन 10, x हमारा एक प्राइम नंबर है, यानी कि डोमेन हमारा, यानी कि हमारे एलिमेंट्स किस में से हमें उठाने हैं, हमें इसमें से एलिमेंट्स हमें उठाने हैं। तो x हमारा एक प्राइम नंबर है जो कि 10 से छोटा है, 10 से छोटा हमारा x एक प्राइम नंबर है, तो देख लो फटाफट, प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो प्राइम नंबर फटाफट लिख लें, प्राइम नंबर लिख लेते हैं फटाफट। तो प्राइम नंबर हमारा 10 से छोटे जो कौन से होते हैं, वन होता है क्या प्राइम नंबर, नहीं, वन तो ना ही हमारा प्राइम होता है, ना ही कौन सा कंपोजिट। तो हमारा एक तो पहला हो जाएगा टू, फिर हमारा हो जाएगा थ्री, फिर हमारा फाइव, फिर सेवन, फिर एट नाइन टेन, अब कोई नहीं होगा, बस ये हमारे चार बन गए, टू थ्री फाइव सेवन, ये हमारे पास क्या आ गया प्राइम नंबर, क्या इसके अलावा है आठ नौ दस, नहीं, टू थ्री फाइव सेवन यही हमारा प्राइम नंबर है। तो डालते जाओ और हमारा आंसर आता जाएगा। x की वैल्यू मैं पहले टू डाल रहा हूँ, x हमारा क्या है, x हमारा यही तो हो जाएगा, अब x हमारा 2357 बता रखा है, x हमारा क्या है प्राइम नंबर लेस देन 10, ये हमारा आ गया। x की वैल्यू मैं 2 डाल रहा हूँ पहला, तो 2 अगर x की वैल्यू मैं 2 डालूंगा तो x क्यूब हमें डालना है, यानी कि 2 का क्यूब, फिर x की वैल्यू मैं 3 डाल रहा हूँ तो यानी कि 3 का क्यूब, देख लो x डालने पर हमारा x क्यूब देगा। अब मैंने 4 डाल, इस पर 4 नहीं है, 5 डालने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 का क्यूब,
फिर हमारा 7 डालने पर हमारा 7 का क्यूब। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल तो लग नहीं रहा जो होना चाहिए। 2, 8 ये हमारा 3, ये हमारा 27, ये हमारा 5, ये हमारा 125, ये हमारा 7, ये हमारा 749, 9 कितना जाएगा 749, 7 63 कितना आता है 216, 7 63 343, ये हमारा आंसर आ गया 343। चाहो इसे सॉल्व कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। वैसे छोटी वाली थी तो मैंने सॉल्व कर दिया, इतना तो लगभग लगभग सबको रटा रहता है, मेरे को नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर एट में हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, जिसमें हमारे पास वैल्यूज है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक हमारे पास है सेट बी, जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब ये तो खुद ही निकाल सकते हो तुम, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए क्रॉस बी। ए टू बी मतलब क्या है? ए क्रॉस बी, ए से बी में मल्टीप्लाई करेंगे ना। ए टू बी लिखने का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी। ए टू बी का मतलब एक और क्या होता है, हम रिलेशन निकाल देते हैं ए क्रॉस बी, यही होता है ना ए टू बी। ए टू बी हम ऐसे निकालते हैं ना, एक हमारा पहले एक सेट ए है हमारा बी, तो ए टू बी हम ऐसे निकालते हैं, ए से बी में हम मल्टीप्लाई करके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ए टू बी को हम क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रखे हैं तो इसलिए मैंने आगे एन लिख दिया, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन ए क्रॉस बी। अब देख लो, अब चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, पहले ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो सारे रोस्टर फॉर्म में। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे पास कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं हमारे पास? 2। तो 3 × 2 = 6। वही अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 / 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ये हमारा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमारा कितना है? हमने 6 अभी निकाला, या फिर ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे भी निकाल लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे पास कितना है? 3 इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारे पास कितना है? 2, यानी कि 2 / 6, यानी कि 2 × 4 = 8 × 16 × 32 × 64, यानी कि 64 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ये पूछा नहीं है नंबर ऑफ सबसेट्स, मैंने फिर भी बता दिया, ध्यान रखना। सबसे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लो पॉज करके, नोट कर लिया, मिटाते इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फटाफट। 9वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? 9वें क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है, देखना पड़ता है वीडियो चल रही नहीं चल रही। 9वें क्वेश्चन में है, एक रिलेशन हमें R दे रखा है ऑन Z। R हमें क्या दे, किस पे दे रखा है? Z, यानी कि Z to Z दे रखा है। उसके बाद R हमें दे रखा है सच दैट क्या है? R हमारे पास a कॉमा b, a और b हमारा z को बिलोंग करेगा। a और b हमारा किसको बिलोंग कर रहा है? z को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। साथ ही साथ a माइनस b हमारा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। a माइनस b हमारा क्या है? इज इन इंटीजर। और उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमसे बोल रहा है डोमेन और रेंज, हमसे डोमेन और रेंज निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस क्या है, इंटीजर्स में दे रहा है। तो क्या बोला है हमसे? डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोला है। तो डोमेन हमारा क्या होता है? डोमेन बात ध्यान दो यहाँ पर, डोमेन हमारा क्या होता है? जो हम इनपुट देते हैं, और रेंज हमारा जो आउटपुट होता है। अब इसमें एक बात ध्यान दो, a माइनस बी इज एन इंटीजर। अब दो चार बात पहले ध्यान देनी है। पहली चीज, ए हमारा किस में बिलोंग करेगा? ए हमारा जेड को बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि ए क्या है? हमारा डोमेन है। ए हमारा क्या है? डोमेन है। ए हमारा जेड को बिलोंग करेगा। अभी हम बोल नहीं सकते कि ए हमारा जेड है या क्या है। दूसरी बात, बी भी हमारा जेड को बिलोंग करेगा। बी हमारा जेड को बिलोंग करेगा। मैं थोड़ा टेढ़ा लिख दिया, या मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, या वैसे बता भी रखा है। देख लो, ए हमें बता भी रखा है जेड को बिलोंग करेगा, बी हमारा जेड को बिलोंग करेगा, बता रखा है। कहने का मतलब क्या है? a हमारा इंटीजर है, b हमारा इंटीजर है। तो a माइनस b करने पर हमारा इंटीजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई इंटीजर ले लो 2
माइनस, मैं अगर मैं इसमें से इंटीजर घटा दूं माइनस वन, तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है, टू प्लस वन हमारा आंसर थ्री आ गया, यानी कि इंटीजर आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास रिलेशन है। अब हमें डोमेन बताना है। अब मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ, या फिर अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं, क्या कोई ऐसी वैल्यू है इस इंटीजर्स में, क्या कोई ऐसी वैल्यू है इस इंटीजर में, यानी कि ए में कोई ऐसी वैल्यू है जिसको डालने पर ये हमारा नॉन इंटीजर आ जाए, कोई ऐसी वैल्यू जिसको अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ ए में, या फिर बी में ही कोई ऐसी वैल्यू है नॉन इंटीजर जिसको मैं यहाँ पर डालूँ तो हमारा ये नॉन इंटीजर आ जाए, कोई भी ऐसी वैल्यू। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ए हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ए हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, बी हमारा इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है हमारा आंसर इंटीजर आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, बात सुनना, इंटीजर भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इंटीजर्स में कोई ऐसी वैल्यूज नहीं है डोमेन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है इंटीजर्स में जिसको डालने पर ये हमारा नॉन इंटीजर आ जाए। इसका मतलब क्या है, हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा जेड, ठीक है। उस तरह का रेंज देखो, रेंज हमारा क्या है, डोमेन अगर मैं जेड डाल रहा हूँ और दूसरी बात, पहली बात तो ये डोमेन अगर मैं जेड डाल रहा हूँ हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, इज एन इंटीजर, पहले ही बता रखा है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इज इंटीजर, इंटीजर बता रखा है, तो डोमेन तो रेंज तो जेड से बात है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा हमारा, जेड, इंटीजर ही हो जाएगा, बता ही रखा है ए माइनस बी करने पर हमारा आंसर इंटीजर आ रहा है, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर ही हो जाएगा, यानी कि जेड ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों जेड जेड लिख दिया, क्योंकि अगर डोमेन हमने कोई स्पेसिफिक यहाँ पे बता नहीं रखा कि जो हमें डोमेन यहाँ से यहाँ तक डालने, ठीक है, हमें बस बोल रखा है ए माइनस बी हमारा क्या है, इंटीजर, यानी कि ए की जितने भी इंटीजर वैल्यूज हैं, जितने भी इंटीजर्स वैल्यूज हैं उनके लिए हमसे पूछ रहा है, ए और बी की हमारी जितने भी इंटीजर्स वैल्यू है उनके लिए हमसे पूछ रहा है कि क्या ए माइनस बी हमारा इंटीजर होगा। तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू अगर जितने भी अगर हम इंटीजर्स डालें, बी की वैल्यू अगर हम इंटीजर डालें, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर्स आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा डोमेन क्या है, इंटीजर। क्यों हमने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया, क्यों हमने छोटा सेट क्यों नहीं लिखा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं, हम किसी में भी हमने छोटा सेट नहीं लिखा, मतलब किसी में भी हमने ऐसा कोई सेट नहीं लिखा जैसे हमें पूरा नेचुरल नंबर उठा के डाल दिया जो यही हमारा डोमेन और रेंज हो जाएगा, बट इसमें ही हमने पूरा जेड उठा के डाल दिया। ऐसा क्यों करा, करने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर देखो कोई भी एक नंबर से लिमिट नहीं लगा रखी। कहने का मतलब क्या है, अभी तक आपने देखा होगा जैसे आपसे पूछ रखा है ए माइनस बी का डिफरेंस, ये आपसे पूछा था, या फिर 3x = 5 आपसे y 3x = y पहला क्वेश्चन था आपसे, ये पूछ रखा था। फिर उसके बाद आपको क्या था, यहाँ पर आपको बता रखा था कुछ यहाँ पर आपको बता रखा था कि क्या होगा, a हमारा less than 4 होगा। पहली चीज़ आपको यहाँ पर ये बता रखी थी। इस वाले में से x और y हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, x और y हमारा बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 14 तक को हमारा बिलोंग कर रहा है, ये हमें इसमें ये बता रखा था। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा क्या है लिमिटेशन है, यानी कि हमारा इतने तक ही हमें काम करना है, बट इसमें हमें कोई लिमिटेशन दे ही नहीं रखी है। और ए की वैल्यू अगर हम इंटीजर डालें, बी की वैल्यू अगर हम इंटीजर डाल रहे हैं, तो हमारा आंसर इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या है, हम डोमेन को इंटीजर मान सकते हैं और रेंज हमें इंटीजर दे ही रखा है, पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा 2.2 भी खत्म हो रहा है। अगला वीडियो देखते हैं, अब अगला वीडियो मुझे अभी ध्यान में नहीं है अगला वीडियो क्या, बट ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगला वीडियो एक फंक्शन के ऊपर ही होगा, एक थोड़ा सा ग्राफ वगैरह बताया वो आपको बताना है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन है एक और प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद खुद से निकाल के देखिए। हाँ, अगर आप जैसे अब तो छोड़िए, अब तो वीडियो खत्म ही हो गया, चलिए अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ तक हमारा ये 2.2 खत्म हो गया, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।